वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेख रहे सारे ही दर्शकों हरविंदर सिंह वालों मैं दिल की गहराइयों तो स्वागत करता हाँ। जिस अपडेट की सारी ही संगत को उड़ीक सी, फाइनली कोर्ट की जी सैकेंड अज हीयरिंग सी, उस तो बाद का जो कार्रवाई स्टार्ट होंगी है, जोड़े कोर्ट के वकील जाते हैं, आवाज़ पैंती है केस को लैके। लेकिन अज का जोड़ा मैं लाइव अपडेट थोड़े तो सामने शेयर कर लगा हाँ कि कोर्ट ने फिर तो मुलतवी कर दी गई है और नैक्सट हेयरिंग डेट जी सरदार सिमरनजीत सिंह जी होर माण होर के जोड़ा केस ही लैके जी नैक्सट हेयरिंग है वह 29/11/2022 एक्सटेंड कर दी गई है। जी हाँ दर्शकों, इस वेले का लाइव अपडेट जो मैं थोड़े सामने लैके आ रहा हाँ, इस वक्त की लाइव अपडेट जी कोर्ट तो निकल के सामने आ रही है, 29/11/2022 नैक्सट हेयरिंग डेट मुलतवी कर दी गई है। और इस वक्त आप उस होटल के बाहर खड़े हाँ, ग्रैंड प्लाजा, जिथे कि काफिला सिमरनजीत सिंह जी माण होर रुकिया होया है। काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जी ऑफिसरस हैं या नफरी वह भी इतने पुजे हुए हैं, काफ़ी जेडे आला अधिकारियों के नाल नाल जेडे आगू हैं सिख कौम के वह भी इतने पुजे हुए हैं। सच उचे तौर पर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जेकर मैं प्रधान साहब की गल करा, उन्होंने कमेटी के मैंबरस वो भी पुजे हुए हैं। सांबा कमेटी हैगी है, उन्होंने भी मैंबरस प्रेजीडेंट और वाइस प्रेजीडेंट और कुछ मैंबरस उन्होंने पुजे हुए हैं। तकरीबन सारे ही जिन्हों जानकारी की उड़ीक सी कि कुछ निकल के सामने आता है, सारी ही संगत के सामने लाइव अपडेट लैके सामने आए हाँ कि कोर्ट ने जी नैक्सट हेयरिंग डेट है 29/11/2022 कर दी है। हालांकि लॉयर्स की तरफ तो कुछ ऐसा पेश नहीं किया गया कि जितों कुछ कोर्ट में लैके अगर पैरवी होंगी, सीधा डेट ही एक्सटेंड की गई क्योंकि उन्होंने तरफ तो किया गया कि अजे कुछ भी तैयारी वगैरह इस तरीके की नहीं है। अगे की जी जानकारी है तुहाडे सामने आप रूबरू करांगे, कोशिश करांगे कि जी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जी सरदार सिमरनजीत सिंह माण होरी करेंगे, उन्होंने गलबात भी आप पहुँचावे। आप जी इस वक्त देख पा रहे हो कि पिछले ग्रैंड प्लाजा होटल का वो सीन कि किस तरह जी पुलिस फोर्स जी गड्डियां स्पैशल तौर पर क्योंकि सिटिंग मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है उन्होंने तरफ तो भी वेख्या गया है। तो गड्डियां तुसी लाइव विजुअल्स देख सकते हो क्योंकि एक छावनी बनी हुई है, एक सिटिंग मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है ने उन्होंने लैके यही होटल है जिथे कि रात को भी कवरेज आप सामने पहुँचाई सी कि जिथे कि सरदार सिमरनजीत सिंह माण होरी आके उन्होंने 5 रूम ले है सी मैनेजमेंट के कोलों, जी होटल की मैनेजमेंट है। उस तो बाद किसी भी पता नहीं चलिया कि सिमरनजीत सिंह माण होरी इतने पुजे है और फिर उस तो बाद वो रूम लैके इतने रुक जाते हैं। उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेशन पता चलता है कि वो इस ग्रैंड प्लाजा होटल के रुके हुए हैं तो उन्होंने काफिले के नाल घट तो घट भी 10-15 बंदे है। यह लाइव अपडेट आप इस वे ग्रैंड प्लाजा होटल के तरफ तो दस रहे हैं और तुम वेख पा रहे हो उस वक्त कारा का हजूम जरा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तो दिता गया, वक्री वक्री जी मीह काफ़ी ज़्यादा पै रहा है जिसके कारण बाहर कोई भी नहीं खड़ा। आप कोशिश करेंगे क्योंकि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हों की तरफ तो होनी है कि आज की कुछ सामने निकल के आया और यह भी गल की जा रही है कि हूँ शायद जोड़ा रुख है वह हाई कोर्ट की तरफ का किया जाएगा क्योंकि जिस तरीके आप सामने लाइव किया कि कोर्ट के भी जाने की मनाही है, बहरले जोड़े लोग आए होंगे उन्होंने भी काफ़ी दिक्कत होंगी है। लॉयर्स की तरफ तो भी एक ढिला रिस्पोंस मैं कहंगा कि जोड़ा इस केस में लैके दिता गया है कि हूँ काफ़ी सारे जोड़े नुमाइंदे आप तरफ तो ही गलबात सुन के तुहाड़े तक पहुँचा रहे हैं हाँ कि हुण जिहड़ी नैक्सट है हुण सोचा जा रहा है कि हाई कोर्ट के वलों वल अपना रुख किया जाएगा, वह भी आपां तुहाड़े सामने अपडेट पहुँचावेंगे। यही लाइव अपडेट सी इस वेले दी कि 29/11/2022 तक जी नैक्सट हेयरिंग डेट है वह मुलतवी कर दी गई है। इस वक्त जिन्हें भी आगू सके सिख कौम के सारे के सारे सरदार सिमरनजीत सिंह माण होर गलबात कर रहे हैं कि जोड़ा नैक्सट कार्रवाई है वह सारे की तरफ तो किया जा रहा है कि इस वक्त मेन जानकारी निकल के आ रही है कि हाई कोर्ट का वल रुख जोड़ा जरूर किया जा सकता है। यह अपडेट थोड़े सामने लैके आए हाँ और कोशिश करेंगे कि जी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सरदार सिमरनजीत सिंह माण होर वालों वो भी थोड़े तक लाइव थोड़ी देर तक आप पहुँचावे। जुड़े रहो एक बाणी चैनल के नाल, दियो इजाजत, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।